डियर पेरेंट्स, एक जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो अपने मुंह से बोल के तो कुछ बता नहीं पाता है, फिर भी ये बहुत सारे वो ऐसे इशारे या बहुत सारे ऐसे क्लूज देता है जिससे कि हम और आप जान सकते हैं कि बच्चा आपका क्या कहना चाहता है। मैं हूं डॉक्टर नूर आलम खान, मैं वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल हेल्दी चाइल्ड पर। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा कि बच्चा को जब भूख लगती है उस टाइम बच्चा क्या क्लूज देता है, बच्चा क्या इशारे करता है, और बच्चे के जब पेट भर जाता है तब वो क्या क्लूज देता है, आप कैसे बच्चे में और अपने बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाएंगे, ये सब आप पे आज मैं डिस्कस करूंगा। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। डियर पेरेंट्स, हर बच्चा अपने आप में अलग होता है और हर बच्चा यूनिक होता है। उसी तरह उसका जो एक्सप्रेशन है, उसका जो बॉडी लैंग्वेज है, वो भी अलग होती है। जब आप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो धीरे धीरे वो चीज़ें आप जानने लगते हैं, आप समझने लगते हैं बेबी की बॉडी लैंग्वेज कि वो बच्चा क्या कहना चाहता है, बच्चा कब अपनी बातों को किस तरह से कहता है। आज मैं जो क्लूज़ बताऊंगा वो एक कॉमन क्लूज़ हैं जो लगभग सभी बच्चे शो करते हैं अपनी अपनी एज पे। और जब बच्चे को भूख लगती है तो बच्चा जो चीज़ें बताता है उनको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जो बात हम करेंगे वो अर्ली क्लूज़ की। अर्ली क्लूज़ में वो चीज़ें आती हैं जब बच्चों को माइल्ड सी भूख लगती है या बच्चा सो के उठा है, उस टाइम बच्चे को जो भूख लग रही होती है थोड़ी सी, उस टाइम पे बच्चा जो क्लूज़ देता है वो अर्ली क्लूज़ कहलाते हैं। जब बच्चे की भूख थोड़ा सा बढ़ती है, थोड़ा सा बच्चे को जो भूख की इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होती है, तो फिर बच्चा मिड क्लूज़ देता है। मिड क्लूज़ में बच्चा हल्के फुल्के से इशारे ऐसे करता है जिससे कि आप ये जान सकें बच्चे को भूख लग गई है। उसके बाद आते हैं लेट क्लूज़। जब बच्चे की भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बच्चे की भूख बर्दाश्त के बाहर हो जाती है तब बच्चा लेट क्लूज़ देता है। अब हम सबसे पहले आइए डिटेल में बात करते हैं अर्ली क्लूज़ की। अर्ली क्लूज़ में बच्चा अपनी टंग से अपने लिप्स को चाटता है, अपने लिप्स को लिक करता है, अपने टंग से अपने लिप्स को बाहर की तरफ पुश करता है। आपका जो बेबी है वो अपने हैंड को अपने मुँह के पास ले जाता है। थोड़ा सा बड़ा बच्चा अगर है, माउथिंग रिफ्लेक्स आ गया है, तो वो जो उसके खिलौने हैं, उसके जो टॉयस हैं, उसको लेके अपने माउथ में को चाटता है, चूसता है उसको। इसके अलावा बेबी माउथ का मूवमेंट कराता है, जैसे कि जब मिल्क को सक करने में जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट बच्चा करता है। इसके बाद आता है मिड क्लूज़। मिड क्लूज़ में बच्चों को भूख थोड़ा सा और ज़्यादा लग चुकी होती है। इस टाइम पर बेबी आपका जो आप बच्चे का जो स्किन है, बच्चे को जो चीक्स हैं, चीक्स के साइड में जो भी चीज़ें आती हैं, पिलो आई या कोई बच्चे जब या मदर का जो बॉडी आई, कुछ भी आया, बच्चा उस तरफ अपने फेस को टर्न कर लेता है। इस केस में बच्चा इंटरमीडिएट क्राई भी करता है। इंटरमीडिएट क्राई का मतलब बच्चा क्राई करता है 4 से 5 सेकंड तक, फिर करीब 20 सेकंड तक बच्चा पॉज लेता है, चुप हो जाता है। इसके बाद फिर क्राई करता है, फिर चुप हो जाता है। कंटिन्यूस क्राई नहीं करता है, बीच में क्राई करके बच्चा बताता है कि उसे भूख लग रही है। आपका बेबी हाथ पैर का मूवमेंट स्टार्ट करता है। ये एक स्मूथ मूवमेंट होते हैं, बच्चा बहुत तेज़ी से नहीं झटक रहा होता है बल्कि हल्के हल्के से धीरे धीरे हाथ पैर चला रहा होता है और बीच में क्राई कर रहा होता है। और इस वक्त पे अगर आप बच्चे को टच करेंगे कहीं से भी तो वो उस तरफ टर्न हो जाएगा, उस तरफ बच्चा घूम जाएगा। फिर आते हैं लेट क्लूज़। लेट क्लूज़ में बच्चे की भूख बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, बच्चे की भूख बर्दाश्त के बाहर हो चुकी होती है। बच्चे अपना हाथ पैर को बिल्कुल झटके से बहुत तेज़ी से मूवमेंट करा रहा होता है और अपने हाथ पैरों को बच्चा अपनी बॉडी से रगड़ रहा होता है, रब कर रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे बच्चा बहुत ज़्यादा परेशानी में है, बहुत ज़्यादा बच्चे को तकलीफ़ हो रही है। बच्चा जो क्राई करता है वो कंटिन्यूस होता है, बीच में बच्चा रुकता ही नहीं है, क्राई करता जाता है, वो भी बहुत हाई पिच, बहुत ज़ोर से क्राई करता है। हमें और आपको कोशिश ये करनी चाहिए जी कि जब बच्चा मिड और अर्ली क्लूज़ देता है उसी वक्त बच्चे को फीड करा दें। इंतज़ार ना करें कि बच्चा लेट क्लूज़ दे, बहुत ज़्यादा तेज़ बच्चा क्राई करे तब हम बच्चे को फीड कराएं, क्योंकि होता ये है कि जिस वक्त बच्चा बहुत ज़्यादा तेज़ क्राई करने लगता है और बच्चे को आप फीड कराने की कोशिश करते हैं तो बच्चा नहीं लेता है, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा क्राई कर रहा होता है। आप सिंपल से लैंग्वेज में ये कह सकते हैं बच्चा एंग्री हो चुका होता है, बच्चा गुस्सा हो चुका होता है और उसकी क्राई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। तो पहले आप बच्चे को अपनी गोद में लेके उसको स्ट्रोक करें, उसको उछालें, बच्चे को चुप कराएं, उसका ध्यान बटाएं, बच्चे को पुचकारें। बच्चा आपका फिर भी नहीं चुप होता है तो उसका थोड़ा सा माहौल उसका चेंज करें, उसका एनवायरनमेंट चेंज करें, उसको घर से बाहर लेके जाएं, थोड़ा सा उसको टहलाएं। जब बच्चा थोड़ा सा आपका शांत हो जाए, थोड़ा सा बच्चा आपका चुप हो जाए,
उसके बाद फिर आप बच्चों को फीड कराइए। अगर बच्चा अटैच नहीं हो रहा है, बच्चा फीड नहीं ले रहा है, तो थोड़ी देर के लिए बच्चे को फिर से आप वैसे ही स्ट्रोक करिए, वैसे ही पुचकारिए, उसके बाद फिर उसको फीड के लिए ट्राई करिए। तो लेट स्टेज में आने के बाद फीड देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप पहली और दूसरी जो बच्चे क्यूज देते हैं उसी में अगर आप फीड करा देंगे तो बच्चा बहुत ही आराम से बच्चा फीड ले लेगा आपका। अब क्वेश्चन ये आता है कि बेबी को कितना फीड देना है, बच्चों को फीड कब कब कराना है, ये एक बहुत लंबा टॉपिक है, इस पर मैं आगे एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी इन शॉर्ट मैं आपको बस इतना समझा देता हूं कि जो बेबी की स्टमक की कैपेसिटी है वो बहुत कम होती है शुरू में, जब बच्चा जो है डे वन डे टू पे बच्चे के 5 से 10 ml बस कैपेसिटी होती है, तो ऐसे केस में आपको ज़रूरत ये होती है कि बच्चों को जल्दी जल्दी फीड कराइए, हर 2-2 घंटे पे बच्चों को आप फीड कराइए। बच्चा थोड़ा सा जब आपका एज ज़्यादा हो जाए, उसकी बच्चा थोड़ा सा ग्रो कर जाए, तब आप थोड़ा सा 3-3 घंटे पे 4-4 घंटे पे भी करा सकते हैं, लेकिन अर्ली एज में या न्यूबॉर्न बच्चों को आपको 2-2 घंटे पे फीड कराना है। बच्चा कभी कभी ऐसा होता है कि 3 से 4 घंटे तक सो रहा है, बच्चा उठ नहीं रहा है, ऐसे केस में आपको उसे उठाना है, जगाना है, आपको 3.5 घंटे 4 घंटे ज़्यादा वेट नहीं करना है, उसके पहले आपको बीबी को जगाना है, जगाने के बाद आपको बच्चे को फीड कराना है। उसके सोल पे आप फ्लिक करिए, उसके सोल पे स्ट्रोक करिए, बच्चा जग जाएगा। उसके बाद जिस टाइम बच्चों को आप फीड करा रहे हैं उस टाइम पे बच्चे के जो ईयर लोब है इसके पीछे आप अपनी फिंगर को चलाते रहिए, फिंगर को चलाते रहेंगे तो बच्चा आपका सोएगा नहीं और वो प्रॉपर फीड ले लेगा। अब दोस्तों बात करता हूँ बच्चा ये कैसे ये बताएगा कि उसका पेट भर गया। बच्चे अलग अलग तरीके से शो करते हैं, कुछ बच्चे दूध पीते ही तुरंत सो जाते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं, मतलब उनका पेट भर चुका है। कुछ बच्चे अपनी मुट्ठियों को ओपन कर लेते हैं, मुट्ठियाँ ये फिस्ट अगर क्लोज है इसका मतलब बच्चे को भूख लग रही है, और अगर ये ओपन हो गई फीड लेने के बाद मतलब उसका पेट भर चुका है। इसके अलावा कुछ बच्चे अपने टंग से निप्पल को बाहर की तरफ पुश करते हैं, कुछ बच्चे ये भी करते हैं कि अपनी लिप्स को बिल्कुल चिपका लेते हैं, स्टिक कर लेते हैं और मुंह के अंदर आप फिर कुछ डाल ही नहीं सकते। इस तरह से बहुत से ऐसे क्लूज होते हैं जो बेबी शो करता है, अपने जो माउथ है उसको ब्रेस्ट या दूध की बॉटल है उससे अपोजिट की तरफ टर्न कर लेते हैं, इस तरह से बेबी शो करते हैं कि उनका पेट कब भर चुका है। दोस्तों इन जो बॉडी लैंग्वेज है बेबी की इनको आप ध्यान से समझिए, जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये तो कॉमन है, इसके अलावा हो सकता है कि आपका बेबी कुछ और चीज़ें शो करता हो, कुछ और क्लूज देता हो, उनको आप अच्छे समझिए और अपने बेबी के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाइए। धीरे धीरे आपकी बॉडी में और आपके बेबी में कोऑर्डिनेशन जब बैठ जाएगा तो बेबी के भूख लगने का टाइम और आपके जो मिल्क ग्लैंड हैं उनको फिल होने का टाइम बराबर हो जाएगा। जैसे ही आपकी मिल्क ग्लैंड फिल होगी उसी टाइम में बच्चे को भूख भी लग चुकी होगी, और इस कोऑर्डिनेशन की वजह से दोनों के लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। आपको भी पता लग चुका होगा कि बच्चों को भूख लगी है और बच्चा भी आपका ज़्यादा रोएगा नहीं, परेशान नहीं होगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि बेबी को टाइम टू टाइम मिल्क मिलता रहेगा, दूध मिलता रहेगा, जिसकी वजह से उसका जो ग्रोथ है, उसका जो वेट गेन है वो नॉर्मल चलेगा, अच्छा चलेगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो में जो पॉइंट दिए हुए हैं वो आपको जैसे भी लगे आप हमें बताइए, अगर अच्छे लगे तो भी आप बताइए और अगर कहीं पर आपको कोई कमी दिखती है तो भी आप बताइए। और आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अपना प्यार हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखिए और देखते रहिए हमारा चैनल हेल्दी चाइल्ड। थैंक यू।